आदाब नाज़रीन, मैं ईशान रज़वी। लॉकडाउन 2.0 यानी कि लॉकडाउन सेक्शन 2 का आगाज़, सीज़न 2 का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, जिस मौके पर हर साल ये मार्केट भरी रहती थी, लेकिन इस बार इस वक्त में पूरी मार्केट वीरान है, जिसकी एक ही वजह है, वो है कोविड। कोविड के सबब हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब आज तमाम आवाम घरों पे हैं, लेकिन जो रियायती वक्त था यानी कि 6 बजे से सुबह 10 बजे तक का, ये भी मंजर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर उस वक्त कितनी पब्लिक थी और आवाम किस तरह से ख़रीदारी में मसरूफ़ थी। ईद का मौसम यानी कि इस खसूसी तौर पर माह रमज़ान की ख़रीदारी बड़े पैमाने पर होती है, इसका कारोबार काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इस बार काफ़ी कश्मकश में आवाम गुजार रही है, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस एक के बाद एक आयद किए जा रहे हैं, नमाज़ों पर हो या फिर ईद की नमाज़ पर, ये आज ज़ेर बहस बन चुका है। जहाँ हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मसाजिद में 50 की गुंजाइश के साथ नमाज़ों का इजाज़त दी गई है, वो भी रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे तक इजाज़त दी गई है, बाज़ब्ता इसका सीएम की जानिब से जियो नाफिज किया जा चुका है। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना में मसाजिद के ईदगाहों में नमाज की इजाज़त नहीं है, मसाजिद में नमाज की इजाज़त नहीं है, जिस पर आज रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर भी बोल पड़े और हुकूमत से अपील की कि वो नमाज़ों की इजाज़त दे, क्योंकि 30 रोज़े के बाद इस ईद का तोहफ़ा मिलता है और इस साल कम अज़ कम नमाज़ ईद तो अदा करने की इजाज़त दी जाने की उन्होंने अपील की। जहाँ तक हो सके इस बार कई कारोबारी जो छोटे कारोबारी हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से जो मुसलसल लॉकडाउन चलता जा रहा है उसके सबब काफ़ी शुबे हयात में बिलखसूस ऐसा तबका जो पहले से ही कमज़ोर था यानी कि अखिलियती तबके में भी जो कमज़ोर तबका था, वो तबके का एक अहम रोज़गार का सोर्स ईद का बाज़ार था, लेकिन अब वो ईद का बाज़ार भी ख़त्म हो गया है और काफ़ी लोग कई मसाइल से दो चार हैं, और इसी के चलते जहाँ पर बीमारी का भी हाल है, अब शहर में इस वबा का असर भी थोड़ा सा कम देखा जा रहा है, अमवात में भी काफ़ी कमी आई है, और इस बार जब ईद आई है, इस बार जब रमज़ान की शुरुआत थी उस वक्त का माहौल मंज़र कुछ और था और आज का मंज़र कुछ और है। कई दानिश्वर ये भी कह रहे हैं कि जब कई कंट्रीज़ ने लॉकडाउन 1 में ही अपने आप को सुधार लिया था तो हिंदुस्तान क्यों नहीं। यहाँ पर आज भी कई चीज़ों की कमी पाई जा रही है, कभी तिब्बी अमले की, कभी दवाइयों की, कभी ऑक्सीजन की। आज भी आवाम वेंटिलेटर्स के लिए परेशान थी और इस तरह के हालात के सबब क्या हुकूमत की कोताही का खामियाजा आज गरीब आवाम चुकाने पर मजबूर हो गई है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी, निज़ामबाद के लिए। अल्लाह हाफिज़।